क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर का एक क्वेश्चन है हमारे पास, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो उसके डिनोमिनेटर से 3 लेस है, यानी कि 3 कम है। इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम दोनों के दोनों यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 अगर ऐड कर देते हैं, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, तो इस तरीके से यानी कि 2 को ऐड करने के बाद जो नई फ्रैक्शन बनेगी वो एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन जो होगी उसमें और इसको जब हम यानी कि 2 ऐड करने के बाद जो फ्रैक्शन बनेगी उसको, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 29/20 आएगा। तो इस तरीके से हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपने ये देखा है कि जो यहाँ पर न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर पर डिपेंड करता है। अगर हमें डिनोमिनेटर मालूम हो जाएगा तो हम न्यूमरेटर बड़ी आसानी के साथ निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 3 लेस है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लें, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन का हम डिनोमिनेटर यहाँ पर लेट करेंगे x, इसलिए तो द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो फ्रैक्शन बनेगी, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन बनेगी, हमको पता है फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होती है। तो न्यूमरेटर हमारे पास कितना आया, x माइनस 3, और जो डिनोमिनेटर था वो कितना था, x, ठीक है। तो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन जो आ चुकी है वो ये आ चुकी है, ठीक। अब आगे हमसे बोला गया था कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तो एक फ्रैक्शन बनेगी, एक न्यू फ्रैक्शन बनेगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, न्यू फ्रैक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो न्यू फ्रैक्शन कैसे बना रहे थे वो, न्यू फ्रैक्शन भी बनेगी तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा, तो न्यूमरेटर ऊपर वाला था और डिनोमिनेटर क्या था, नीचे वाला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू फ्रैक्शन जो बनेगी वो दोनों में 2 ऐड करने पर बनेगी। तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें आप और नीचे भी 2 ऐड कर दें। जब हम ऊपर ऐड करेंगे तो x इनमें कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस का 1 बन जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। तो आपने देखा जो न्यू फ्रैक्शन आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 आ चुकी है। तो अब हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है और न्यू फ्रैक्शन हमारे पास ये है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यू फ्रैक्शन प्लस ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 29/20 बन रहा था इन दोनों को ऐड करने पर। तो न्यू फ्रैक्शन जो आई थी हमारे पास कितनी थी, वो थी हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, तो x माइनस 1 और अपॉन x प्लस 2, ठीक है। और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो कितनी थी, x माइनस 3 और अपॉन में x इज इक्वल टू 29/20। अब इनको क्या कर लेंगे, हम एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेंगे आगे। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर x एलसीएम आ जाएगा, इससे ये खत्म हो चुका है। तो x की मल्टीप्लाई किससे होगी, इस x माइनस 1 से होगी और प्लस इससे ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 2 बचा, तो x प्लस 2 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इस x माइनस 3 से कर लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 29/20। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x की 1 से करेंगे तो x हो जाएगा प्लस। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो x की पहले x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x की जब माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x, फिर प्लस 2 की जब x से करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा, और प्लस 2 की जब माइनस 3 से करेंगे तो 2 3 -6 आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर x की जब x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x की 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू में 29/20 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो x स्क्वायर वाला ये है और x स्क्वायर वाला ये है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस के 3x और माइनस का 1x, तो माइनस के 4x हो गए और प्लस के 2x, तो माइनस के 4x और प्लस के 2x, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे कैलकुलेशन करने के बाद, माइनस के 2x बचेंगे और माइनस 6 और अपॉन में कितना, x स्क्वायर प्लस के 2x और इज इक्वल टू में 29 और अपॉन में 20। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 20 की जब 2x स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 40x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर भी 40x आ जाएगा और माइनस ये आ जाएगा 120, ठीक है, इक्वल टू, जब इसकी से करेंगे तो 29
एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसकी इससे करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 58x। ठीक, सबको इधर ले लेंगे तो 40x स्क्वायर और माइनस 40x और माइनस 120 इधर आकर के माइनस के 29x स्क्वायर और माइनस के 58x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला एक ये है और एक ये है, इन दोनों में प्लस माइनस जब करेंगे तो 40 में से 29 चला जाएगा तो 11x स्क्वायर बचेंगे प्लस के, और माइनस के 40x और माइनस के 58x। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ये जब ऐड हो जाएंगे तो माइनस के आ जाएंगे हमारे पास 98x और यहाँ पर माइनस के 120 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ तक आ चुका है, 11x स्क्वायर माइनस 98x माइनस 120 इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं, मैं यहाँ पर जो है फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व करूँगा। तो जब फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं किसी इक्वेशन को सोल्व करते वक्त, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कोफिशियंट उसका होता है उसकी मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट नंबर से करते हैं। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये प्लस है और ये है माइनस, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएंगी। जब 11 की 120 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1320। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास माइनस 1320 आ चुका है। अब हम ये देखेंगे अगर इनकी मल्टीप्लाई आती है माइनस में तो हम देखेंगे डिफरेंस, अगर मल्टीप्लाई ये प्लस में आती है तो हम देखते हैं सम। तो 1320 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, x के साथ में कितना है 98, जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 98। तो हमें मालूम है कि अगर हम 110 की मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो हमें 1320 ही मिलेगा, और अगर हम 110 में से 12 को माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 98 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारे पास ये वाला जो है ये जो है सूटी ये मैंने एकदम से कैसे निकाला है, यहाँ पे आपको एक चीज़ ये है कि 11 × 120 था। ठीक है, मगर अगर इनका डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस तो 98 नहीं था, मगर अगर इस जीरो को मैं यहाँ पर पहुँचा लेता हूँ 110 × 12 करेंगे तो भी तो बात वही है, मगर अब इनमें से इसको माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, ये हमारे काम का है। तो 11x स्क्वायर को आप ऐसे ही रखेंगे, माइनस 98 की जगह हम 110 − 12 रख सकते हैं इंटू में एक्स, और माइनस 120 और इक्वल टू में जीरो आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 11x स्क्वायर को आप ऐसे रखें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, 110x और प्लस के कितना आ जाएंगे 12x और माइनस 120 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा जीरो। यहाँ से आप देखेंगे तो 11 और x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो यहाँ पर 11 बाहर आया, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आया, तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर 11 की इसमें 10 टाइम जाएगी डिवाइड, और यहाँ पर x तो बाहर आ चुका है, प्लस जब इन दोनों में कॉमन देखेंगे 12 कॉमन है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 12 बाहर आ चुका है, यहाँ पर x बचा, 12 की इससे जब डिवाइड करेंगे तो 1 और 0 आ जाएगा और इक्वल टू में कितना आ जाएगा जीरो। अब आप इसको देखेंगे कि दोनों में x माइनस 10 भी कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 10 निकाल लेंगे यहाँ से, और हमारे पास फिर कितना आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 11x ये और ये आ जाएगा प्लस 12 और इक्वल टू कितना आ जाएगा जीरो। तो x माइनस 10 को इक्वल टू में जीरो ले लेंगे, इसको इक्वल टू जीरो ले लेंगे, 11x प्लस 12 इक्वल टू जीरो ले लेंगे। यहाँ से हम देखेंगे तो x की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट आ जाएगी, यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 12 और x की वैल्यू माइनस 12 अपॉन में 11 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 10, ये हमारे काम की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालनी थी, तो यहाँ पर ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने क्या आ गई थी हमारी x माइनस 3 और अपॉन x, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 और माइनस 3 और अपॉन में x कितना है 10, तो 10 में से 3 जाएगा 7 अपॉन 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।